वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी आपका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है तो अगर आपके पास दो सिग्नल्स हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स x1n और x2n, जहां पर x1n का DTFT है x1 ओमेगा और x2n का DTFT है x2 ओमेगा, तो a1x1n प्लस a2x2n का DTFT हो जाएगा a1x1 ओमेगा प्लस a2x2 ओमेगा, जहां पर a1 और a2 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो सिग्नल्स हैं जिनके डीटीएफटी आपको पता है और आपको एक बड़ा सिग्नल दिया गया है जो उन्हीं छोटे सिग्नल्स से मिलकर के बना है, तो उस केस में आप उनके इंडिविजुअल डीटीएफटी को यूज कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट के कैलकुलेशन के लिए। जैसे अगर आपको एक सिग्नल दिया गया है, सपोज xn इज इक्वल्स टू 5un प्लस 7δn, ये आपको सिग्नल दिया गया और इसका डीटीएफटी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका डीटीएफटी कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डीटीएफटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डीटीएफटी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में पहला सिग्नल आप ले लेंगे इसको, दूसरा सिग्नल ले लेंगे इसको। अब हमारा जो सिग्नल है xn वो इन दोनों सिग्नल्स के एडिशन से बना है। इसके बाद हम x1n यानी कि 5un का DTFT कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि un का DTFT होता है 1/(-e^-j ω), तो 5un का हो जाएगा 5/(1-e^-j ω), तो 5un का DTFT हमें यहाँ पर मिल गया। दूसरा सिग्नल जो x2n है, जो है 7δn के बराबर, उसका DTFT कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि δn का DTFT होता है 1, तो इस पूरे सिग्नल का DTFT हो जाएगा 7×1, दैट इज 7। तो x1n का DTFT मिल गया 5/(1-e^-j ω), x2n का DTFT मिल गया 7। अब xn का DTFT जिसे हम लिख रहे हैं x ओमेगा, ये होगा अगर हम इसे माने x1 ओमेगा और इसको माने x2 ओमेगा, तो वो x ओमेगा होगा x1 ओमेगा प्लस x2 ओमेगा के बराबर लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार। तो x1 ओमेगा हमारे पास है जो है 5/(1-e^-j ω) और x2 ओमेगा भी हमारे पास है जो कि है 7। हम जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा DTFT इस पूरे सिग्नल का। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हम वहां पर लगाते हैं जहां हमें किसी बड़े सिग्नल का DTFT कैलकुलेशन करना है, और हम फॉर्मूले में नहीं जाना चाहते, हम बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक कंसेप्ट को यूज करके सीधा DTFT कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बड़े सिग्नल को छोटे सिग्नल्स में बांटिए, उनका DTFT कैलकुलेशन कीजिए और फिर उन सारे DTFTs को आपस में जोड़ दीजिए, तो हमें रिजल्टेंट DTFT मिल जाएगा। तो ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी और इसको हम इस तरह से यूज करते हैं।